नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। अ शॉर्ट मैग्नेट इज अलाउड टू फॉल अलोंग द एक्सिस ऑफ ओरिजिनल मेटेलिक रिंग, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, डिस्टेंस फॉलन बाय द मैग्नेट इन वन सेकेंड। चलो सबसे पहले एक छोटी सी चीज हम लोग कर लेते हैं, जैसे एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है, ठीक है, और ये अगर ये ड्रॉ किया जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी है जीरो, तो ये एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जी की वैल्यू हम लोग जनरली 10 लिखते हैं। चलो तो क्या होगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और एक सेकेंड में ना, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो, तो ये वैल्यू टर्म जीरो हो गया, प्लस हाफ ए की वैल्यू को जी लिख दे रहे हैं, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलेरेशन है जी, 10 इंटू टी एक सेकेंड में, ये कितना आ जाएगा 5 मीटर डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया अगर नॉर्मली ये गिरे। लेकिन जब ये नॉर्मली ना गिर रहा हो और यहाँ रिंग हो, एक ये रिंग है और ये क्या है, ये बार मैग्नेट है, ठीक है, जब ये गिरेगा, नीचे गिर रहा होगा, नॉर्थ पोल नजदीक आ रहा होगा, तो इसके अंदर एक करंट डेवलप होगी और ये नॉर्थ पोल सामने की तरफ बनाएगा और ये साउथ पोल, तो नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, रिपल्शन का फोर्स लगेगा ना, रिपल करेगा, mg नीचे की तरफ लग रहा है, जैसे यहां भी mg नीचे की तरफ लग रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा था, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है नीचे, अर्थ की ग्रेविटी, और नॉर्थ पोल को रिपल्शन का फोर्स लगा रहा है, ये मैग्नेटिक फोर्स। तो यहां पर इस केस वन में ये नहीं लग रहा था मैग्नेटिक फोर्स, लेकिन केस टू में ये मैग्नेटिक फोर्स भी लग रहा है। तो यहां पर पहले केस में नेट फोर्स की वैल्यू कितनी थी, fg के बराबर थी, यानी mg के बराबर थी, तो नेट एक्सेलरेशन जो है वो g के बराबर था, लेकिन इस केस में नेट फोर्स जो है वो कितना हो जाएगा, fg माइनस fb, यानी नेट फोर्स जो है वो छोटा होगा किससे, fg से, करेक्ट है। तो ये जो एक्सेलरेशन होगा वो भी g से छोटा होगा इस केस में, यहां पर एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन g के बराबर था, यहां g से छोटा है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर एक्सेलरेशन, वर्टिकल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन g से छोटा है तो वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना, एक सेकेंड में कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, a की वैल्यू यहां पर पुट कर लो, g की जगह 10 रख के, 10 से कम रख के देखो तो 5 से कम हो जाएगा ना, तो ऑब्वियस सी बात है कौन सा ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, 4 मीटर वाला डिस्टेंस, करेक्ट है, लॉजिक समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।